ये तो आप सब जानते हैं, जब गमी का मामला आता है तो लोग ये देखते हैं कौन कौन मेरे घर पर आ रहा है कि नहीं, और जब खुशी का मामला आता है, मौका आता है तो लोग ये देखते हैं कौन हमें बुला रहा है। खुशी के मौके पर हर शख्स खुशी को बुलाता है जिसको उससे मोहब्बत होती है, जो उसका शिकार होता है, जो उसका करीबी होता है। अब महफिले मुस्तफा सजाकर खुशी के मौके पर और अल्लाह के रसूल की महफिल को सजाकर इनके घर के एक एक फर्द ने, इनके वालिदैन ने इनके घर की मोहब्बत भरी दीवारों में ये सबूत दे दिया है कि एक सच्चा मुसलमान उसके दिल के अंदर लाई के दाने के बराबर ईमान होता है, तो चाहे वो खुशी का मौका हो, चाहे गमी का फंक्शन हो, वो जिक्र करता है तो अपने अल्लाह अल्लाह के रसूल का ही जिक्र करता है। बच्चा नहीं होता है, लोग बुजुर्गों के पास जाते हैं, दुआएं करते हैं, बच्चे की पैदाइश होती है, फिर वो बच्चा जवान होता है, अपने बालों को जवानी मिलती है, जान कितने ऐसे होते हैं बचपन में ही इंतकाल कर जाते हैं कि नहीं, लेकिन जवानी मिलने पर फिर शादी का मौका आता है, शादी के मौके पर जब तमाम तर खुशियां परवरदिगार उसके घर पर प्यार देता है, उसी वक्त में इंसान अल्लाह को भूल जाता है। यही वक्त होता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद करने का, खासतौर से और अपने आप को कंट्रोल पाने का। रब्बी वादा में दुआ है ये माहौल हमारे हर घर में परवरदिगार पैदा फरमा दे। अब एक शेर पढ़ता हूँ, वक्त काफी हो रहा है, उससे पहले मैं चाह रहा हूँ पूरा मजमा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। परवरदिगार इस महफिल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबसे वसीले से भाई रफीक साहब के घर में पूरी जिंदगी एक खुशियों का माहौल पैदा फरमा दे परवरदिगार, और आफत और बलाओं से उस घर से दूर फरमा दे, इस महफिल मुस्तफा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। भाई खासतौर से अपने बड़े भाई मौलाना शहादत साहब, मैं ये सच है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये निजामत का जो फन है ये अपनी जगह अलग है, दूसरी चीज इनकी आदत बहुत अच्छी है, कहीं मिलते हैं तो मोहब्बत से मिलते हैं, है सबसे प्यारी और अच्छी अदा है, वकार तो शौकत खिला रही है मुझे। वैसे इसी आदत से लेकर कर ये शेर के वकार तो शौकत खिला रही है मुझे, दुआ बुजुर्गों की यूं काम आ रही है मुझे। जरूर नहीं अच्छे शेर पर सभी बोल जाए सुभान अल्लाह, ये जरूर नहीं है, अच्छे शेर पर अच्छी बात पर अच्छे लोगों का ताल्लुक होता है बोलने का, फिर आपने हाथों को उठा कर बोल दें सुभान अल्लाह। अगर दिल चाहे तब, वरना ये पैसे कल परसों तरसों खत्म हो जाएंगे। सुभान अल्लाह की जो दौलत दे रहे हैं ये दौलत कब्र में भी काम आएगी, यही दौलत मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया बन जाएगी। जो जो इनाम दे रहे हैं सरकार की सुन्नत है, नहीं भी देंगे तो ऐसा नहीं तो गुनाह है। हाँ ऐसा नहीं है, पैसा देंगे, गौसे आजम फरमाते हैं, जब कोई बात आई तो मैं बता दूं, गौसे आजम फरमाते हैं माशाल्लाह शहंशाह करूं शारे मुल्के हिंदुस्तान उस्ताद शोरा सदरे जलसा आई रही सुन्नत नहीं है, बुजुर्गों की यादगार शहंशाह करूं नाच पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इतिहास शहर की नुमाइंदगी करने वाला वो लहजा जिसको शहर चाहे गुलबरे बाकर मदीना उस्ताद शोरा बुजुर्गों की यादगार नासिर सुभानी साहब मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बहुत खूबसूरत निजाम बहुत ज्यादा फरमाते जब कोई पैसा देता है नबी की नाक पर तो वो पैसा झूठता है, क्यों झूठता है शायर का पड़ा क्यों खुश होता है, इसलिए वो पैसा कहता है वो रुपया कहता है, अब तक मेरा ताल्लुक दुनिया से था
لیکن اب نبی کے نام پر میں جا رہا ہوں, اب میرا تعلق دنیا سے نہیں رہا بلکہ حضرت حسان کی چادر شریف سے ہو گیا, اب میرا تعلق دنیا سے نہیں رہا بلکہ حضرت حسان کی چادر شریف ہو گیا ہے. میں شعر پہنچاتا ہوں اور اس کے بعد اس کے مطابق شوہر دلا رہی ہے مجھے دعا بزرگوں کی یوں کام آ رہی ہے مجھے جھرا ہے اپنے آرسی کی چوکٹ پر میری طرف پہ یہ دنیا مجھے سے بھاگی تھی, میری طرف پہ یہ دنیا مجھے سے بھاگی تھی, جب اس کو چھوڑ دیا تو نبھا رہی ہے مجھے, میری طرف پہ یہ دنیا مجھے سے بھاگی تھی جب اس کو چھوڑ دیا تو نبھا رہی ہے مجھے. میں اپنے رزق کو تقسیم کرتا رہتا ہوں, شاید کی سوچ مجھے دیکھیے وہ کہتا ہے میں اپنے رزق کو تقسیم کرتا رہتا ہوں, یہی ادا کو کھلا اور کھلا رہی ہے, رزق کو تقسیم کرتا رہتا ہوں یہی ادا کو کھلا اور پلا رہی ہے مجھے. آئیے حضرات دعا کیجیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ جو آنے والا لہجہ ہے اس کو مقبول اور مشہور دونوں فرما دے, اس کو توفیق رضا کہتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں وہ مائک پر تشریف لے آئے, اس شعر کے ساتھ ان کو آواز دیتا ہوں کہ رخ منور کیجیے دلائی جان لیجیے ان کے در پر سر جھکا کر تب دعا کر لیجیے, نعت اشعار بھی پڑھنے کے ہیں زخم حیات اس میں شک ہے آپ کو تو تجربہ کر لیجیے.